हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने वाइट बॉर्डर का प्लीट बनाया था, पल्लू प्लीट, और एक अलग ही डिफरेंट स्टाइल में। अब इस वीडियो में मैं उसी पल्लू स्टाइल को स्टाइल कैसे कर सकते हैं साड़ी पे, वो आपको बताऊंगी। एक ही वीडियो में दो स्टाइल बता दूंगी। तो उसके लिए सिंपल, जैसे सबसे पहले साड़ी पहनते हैं, ड्रेपिंग करते हैं, वैसे अपना नॉर्मल ड्रेपिंग कर ले। और ये पल्लू तो मैंने बता ही दिया था कैसे बनता है। तो उसको अपने शोल्डर पे रखना है फ्रंट साइड से, और नीचे की तरफ जहाँ नेवल है वहाँ पे पल्लू को थोड़ा सा मोड़ करके, ताकि प्लीट हमारा बिल्कुल क्लियर आए और बॉर्डर सामने की तरफ दिखे, वहाँ पे पिन से सिक्योर कर लेना है। और आपको पल्लू बड़ा ही रखना है इसके लिए, बड़ा पल्लू से ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बनेगा। और नीचे की तरफ जो मैंने पल्लू में लगाया था पिन, उसको मैंने ओपन कर दिया, क्योंकि उस पल्लू का एंड लेकर अपने बेली बटन के पास में पहले टक कर लेंगे पिन से सिक्योर करके। एक तो ये डिज़ाइन हो गया, अगर आप चाहे तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, सिंपल सा है, ऐसे ही रखें। इस पूरा बॉर्डर सामने से दिखेगा और पीछे की तरफ ये पल्लू डिज़ाइन आएगा, वो भी अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये है कि मैंने यहाँ से एक पिन और खोल दिया है, अब थोड़ा पल्लू बड़ा हो गया ओपन पिन करने के बाद। अब उसके बाद ये सेकेंड वाला एंड लेकर पहले तो देख लेंगे कि जो फ्रंट में पल्लू लिया था उसके बराबर आना चाहिए, और उसको थोड़ा अरेंज करते हुए ताकि आपका डिज़ाइन पीछे से नज़र आए, और उसको अपने बराबर लाके बेली बटन के पास में उसको भी टक कर लेंगे पिन से। पीछे की तरफ देख लें कि अच्छे से साड़ी है, डिज़ाइन दिखते हुए मुड़ा हुआ साड़ी ना रहे, सामने की तरफ प्लीट के पास बॉर्डर के साथ मिलाते हुए, ताकि एक जैसा ही लगे सारा। पिन लगा देंगे।